आपको भी क्या लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, क्या आप भी लोगों की बात में बहुत जल्दी आ जाते हैं और उनकी वजह से आप काम करना छोड़ देते हैं? आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे नेबर्स मुझे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, मेरे जो अड़ोसी पड़ोसी है मुझे बहुत ज्यादा क्रिकेट के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं कि क्रिकेट के अंदर कुछ नहीं होने वाला, मेरे बेटे ने भी ट्राई किया था या उनके किसी रिलेटिव ने ट्राई किया था, कुछ नहीं हो सकता, इसके अंदर बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, आपको बहुत कॉन्टैक्ट चाहिए, आपको आपके बिन पैसे कुछ हो ही नहीं सकता, क्रिकेट में आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। बहुत सारे लोग उसे भी बात सुनते होंगे। जब हम क्रिकेट शुरू करते हैं ना, तो हम इन सारी बातों को सुनते हैं और लगातार बेसिस पर सुनते हैं और इनके अगेंस्ट हम क्रिकेट शुरू करते हैं, तो एक समय बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लोग आपसे हटना शुरू कर देते हैं, है ना, और आप धीरे धीरे अपने मन के अंदर अकेला फील करना शुरू कर देते हैं। आपका मन करता है कि मैं किसी से बात करूं, बट आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हुए भी अकेला फील करते हो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तेरे से नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू अच्छा प्लेयर नहीं है, तू अच्छा फील्डर नहीं है, तू अच्छा बॉलर नहीं है, इस तरह की हजार बातें आपके माइंड के अंदर चलती रहती होंगी, ऑलवेज 24/7। क्या कोई ऐसा तरीका है जो इन बातों का इफेक्ट आपके ऊपर कम करा जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जो आपको इनसे लड़ना सिखाए? है कोई ऐसा तरीका? अब आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इसका एक तरीका है जिससे आप लड़ सकते हैं। देखो, दो तरीके से इंसान सीख सकता है। सबसे पहला तरीका क्या है कि वो खुद वो चीज़ें प्रैक्टिस करता रहे, लड़ता रहे, करता रहे, तो वो सीख जाएगा एक ना एक दिन, 5 साल बाद, 10 साल बाद सीख जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप थोड़ा जल्दी सीख सकते हैं? लोगों का इम्पैक्ट जो आपके माइंड के अंदर हो रहा है, क्या उसको आप कम कर सकते हैं? तो एक ऐसा तरीका है, यस ऐसा तरीका है, और मैं जो आपसे तरीका शेयर करने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल तरीका होने वाला है। मैंने खुद भी अप्लाई किया है, जो हमारी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं मैंने उन पर अप्लाई किया है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और नोट्स बनाने हैं, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ आपको ग्रैब करनी है। तो क्या कोई इसका ऐसा तरीका है जिससे मैं लोगों की बात का इफेक्ट अपने ऊपर कम कर सकता हूँ, या जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई इनका इफेक्ट आपके ऊपर कम हो सकता है? अगर आप लोगों से इसके बारे में बात करोगे, किसी अच्छे इंसान से, तो आपको सिंपली बोलेगा कि बेटा अपना काम करते रहो, लोगों को इग्नोर करो और आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल अच्छा तरीका है, और यही आपको एट द एंड फॉलो ही करना पड़ता है, और जो हम सब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा तरीका है जिसके बेसिस पे मैं अपनी मेंटल टफनेस को और बढ़ा सकता हूँ, जल्दी बढ़ा सकता हूँ? क्या कोई ऐसा तरीका है? तो मेरा आंसर है यस, एक बहुत अच्छा तरीका है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर सीखते हैं, हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया है, उनके अंदर इम्पैक्ट आया है, इसीलिए अब मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल करीबी बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। आई नो कि अब आपका एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि मुझे जल्दी बताओ कि वो टेक्निक क्या है। तो शुरू करते हैं, वो टेक्निक क्या है उसके बारे में। देखिए, सिंपल है, आपको इसके विजुलाइजेशन है जो आपने करना शुरू कर दिया, ठीक है, और कैसे इम्पैक्ट कम करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी भी लोगों ने आपको बोली है, मैं कुछ चंद बातें ले लेता हूँ जिसके बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सपोज़ कई लोग बोलते हैं कि क्रिकेट के अंदर कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको उनकी जो जिस बंदे ने वो बात बोली है, जिस समय बोली है, या उस वो दिन आपको याद होगा कि उन्होंने किस जगह पर आपको वाली बात बोली थी। या कई लोगों ने आपको बोला होगा कि आप जैसे बहुत पढ़े, आप जैसे आए और आप जैसे गए, बहुत सारे लोग हैं, तो किस बंदे ने आपको वाली बात बोली थी, कहाँ पर बोली थी, वो आपको याद करना है। आँखें बंद करके बैठो, चाहो तो अभी भी कर सकते हो। तो इस तरह के आपके पास 10-15-20 बातें होंगी जो आपको अंदर ही अंदर खाती चली जाती हैं, जो आपको अंदर ही अंदर एक्शन लेने से रोकती हैं। तो आपने क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और विजुलाइज करना शुरू करना है। क्या विजुलाइज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले देखना है कि उस बंदे ने आपको क्या बोला था और उस समय आप बुरा फील कर रहे थे, राइट? आपको बहुत गंदा फील होता है, आपको उस इंसान पर गुस्सा भी आता है, उसको मारने का भी मन करता है, सब कुछ करने का मन करता है, राइट? तो वो इमोशंस आपने वापस लेकर आने हैं अपने दिमाग के अंदर, आप विजुलाइज करेंगे तो आप नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैं रेगुलर करता हूँ। नेगेटिव होना शुरू हो जाओगे, आपको वही गुस्सा वापस आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके माइंड के अंदर जो उस इंसान ने उस दिन बोला था, अब तक आपके माइंड के अंदर उसके इमोशंस पड़े हुए हैं, जो आपको गुस्सा दे रहे हैं, जो आपके आपके गेम को खराब कर रहे हैं, जो आपको एक्शन लेने से रोक रहे हैं। आई समझ आपको बात? अब आपने क्या करना है कि जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो आप जब नेगेटिव होना शुरू हो जाओगे, तो अब आपने अपने माइंड के अंदर उन बातों से लड़ना शुरू करना है और उनको एक्सेप्ट करना है। अभी दिक्कत क्या हो रही है मार्केट के अंदर, हम इतना यूट्यूब में मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं मोटिवेशन, सब में एक ही बात लिखी है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहोगे तो ये होगा वो होगा। तो इन टंट्रम्स ने क्या करा, मैं टंट्रम बोलता हूँ कई चीज़ों को, इन टंट्रमों ने क्या करा कि हमारे अंदर की जो लड़ने की एबिलिटी थी वो खत्म हो गई, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि आज के टाइम में मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, 90% लोग ऐसे हैं जो फेलियर से भाग रहे हैं, वो फेलियर को फेस ही नहीं करना चाहते,
और आप भी उनमें से हो, और शायद मैं भी एक समय उनमें से था, लेकिन आज नहीं हूँ ऐसा, राइट? तो आपको प्रैक्टिकल चलना है, क्योंकि आपके लाइफ में हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होने वाली। इस बात को समझो, आज नहीं समझ सकते तो 10 साल बाद समझ आएगी, लेकिन समझना पड़ेगा, राइट? तो आप क्या करेंगे, बैक टू द टॉपिक, आपने सिंपल एक चीज़ करनी है कि आपने विजुलाइज करना शुरू करना है और आपने डायलॉग चेंज करना है। ये डायलॉग चेंज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप किसी ने बोला कि क्रिकेट के अंदर कोई स्कोप नहीं है, तो आपको आंखें बंद करनी है, विजुलाइज करना शुरू करना है कि स्कोप तो किसी भी फील्ड में नहीं है, जिस फील्ड को आप चाहते हो उसके अंदर स्कोप क्रिएट करते हो। ये आपको अपने अंदर बोलना शुरू करना है। आपको ये देखना है कि मैं इसके अगेंस्ट कौन सा स्टेटमेंट खड़ा कर सकता हूँ जो मुझे मोटिवेट करेगा, जो मुझे आगे लेकर जाएगा। सबसे पहली बात आपने ये करनी है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह के बहुत सारे डायलॉग हैं। सपोज दूसरा डायलॉग है कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा राजनीति है, तो आपको अपने माइंड के अंदर सोचना है कि हर फील्ड में राजनीति है, ये मेरा पैशन है, मैं पूरा ट्राई करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तीसरा डायलॉग है, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्रिकेट में बहुत पैसा लगता है, लोग बोलते हैं, तो आपको अपने माइंड के अंदर बोलना है कि हर चीज़ के अंदर पैसा लगता है। अगर मैं किसी भी फील्ड के टॉप पे पहुंचना चाहता हूं, तो हर फील्ड में पैसा लगता है। कई लोग बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, बहुत कॉम्पिटिशन है, तो आपको अपने माइंड के अंदर क्या चीज़ देखनी है कि हर फील्ड के अंदर कॉम्पिटिशन है। आज के टाइम में कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें कॉम्पिटिशन ना हो, तो आपको अपने माइंड के अंदर सारी बातें बोलना शुरू करना है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप एक बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। तो अब आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि मैं इन सारी बातों के अगेंस्ट जो मुझे नेगेटिव करती है, कौन कौन से स्टेटमेंट पढ़ने वाला हूँ, उसे आप लिख सकते हैं और उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसकी पिक्चर देखनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके चार दोस्त खड़े हैं, आप किडबैग लेकर जा रहे हो, आपको शर्म आ रही है किडबैग लेकर जाने में, और आपके दोस्त ने पीछे से बोल दिया अरे बन गया धोनी। तो अब आपने अपने माइंड के अंदर कौन सी पिक्चर देखनी है कि आपने उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करना या हंसना है, जो भी करना है, जो भी आपका रिस्पॉन्स हो, बुरा भी लगता है कोई बात नहीं, आपने क्या इमेज, आपने स्माइल करा और आप हंसते चले गए कॉन्फिडेंटली, ये आपने इमेज बनानी है। आपके कोच ने आपको सबके सामने डांट दिया, आपको बहुत एम्बेरस फील हुआ, तो आपको वहाँ पर कौन सी इमेज बनानी है कि कोच ने डांटा कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा स्माइल दिया या कुछ नहीं बोला और आप वहाँ से आराम से बैग पैक करके चले गए, आपको कॉन्फिडेंस में चेंज नहीं आया। इस तरह की इमेज आपने बनाना शुरू करना है अपने माइंड के अंदर। बहुत सारी इमेज हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको धीरे 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 जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको लिखना है, उनके अगेंस्ट आपने एक पॉजिटिव डायलॉग खड़ा करना है और उसके बारे में एक अच्छी पिक्चर बनानी है। आपको वहाँ पर अपने आपको लड़ता हुआ देखना है और अपने आपको ये बोलना है कि ठीक है यार, नेगेटिविटी सबके साथ चलती है, जितने लोग इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी जो आपके साथ एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे आप, ठीक है? सो आपने ये करना शुरू करना है। गाइस मैं गारंटी देता हूँ आपको, लोगों की बात का इफेक्ट पड़ना आपके ऊपर कम हो जाएगा, खत्म नहीं हो सकता। अगर कोई आपको ये बोलता है ना कि खत्म हो जाएगा इफेक्ट, कभी नहीं हो सकता खत्म, किसी की लाइफ से नहीं हो सकता खत्म, वो कम हो जाता। लोगों की बात का असर अगर आपके ऊपर पड़ना कम हो गया, तो आप ये समझो कि आपने आधी बैटल जीत ली, क्योंकि आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो, राइट? ये आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। आई होप गाइस कि ये टेक्निक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सिंपली आपने क्या करना, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपको सिंपल एक चीज करनी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो आपको लिखने हैं, उसके अगेंस्ट आपने पॉजिटिविटी के थॉट्स को खड़ा करना है और उसके बाद आपने उसको विजुलाइज करना है। ये आपने रेगुलर बेसिस पे करना है। मैं तो इस विजुलाइजेशन को इतना रिकमेंड करता हूँ कि आप चाहे खाना भी मत खाओ, लेकिन एक दिन में 2 से 3 बार उसको पक्का करो, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट करेगी, आपको पहले से अच्छा बनाएगी। एंड अगर आप और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप मेंटली फिजिकली ग्रो कर सकते हैं और अपनी गेम को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस थिंग